हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, आपको बता दो कि बिहार डेलीगेशन यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों को न्यूज के अलावे एजुकेटेड वीडियो भी देता है, और इसी से रिलेटेड जो एक और कदम हमने उठाया आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोगों को कम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी से रिलेटेड वीडियो भी अब हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे। और इसी से रिलेटेड जो वीडियो है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, और आज जो वीडियो है वो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए। और हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास की जो कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक है उसकी हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके जो पॉइंट है वो क्लियर करते हैं। दोस्तों, जब हम विश्व इतिहास की शुरुआत करते हैं तो जैसे आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा, वहां पे आपने शुरुआत की होगी कि हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी, जो कि सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी। तो इसी तरह से इसके पैरेलल में उस समय विश्व में और भी सभ्यता चल रही थी। तो वो कौन सी सभ्यता चल रही थी, सबसे पहले उसके रिलेटेड जानकारी मैंने बोर्ड पे एंटर कर दिया है, तो मैं आपको एक एक करके जानकारी देता हूँ। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व इतिहास यानी कि एंशियंट वर्ल्ड, अगर इसको हम जो कहते हैं ब्रॉन्ज एज कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ब्रॉन्ज एज लाइट की वजह से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रॉन्ज एज। इसको कांस्य युग के नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उस समय जब हमारे इंडिया में हड़प्पा सभ्यता, हमारे इंडिया और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, उस समय पूरे विश्व में और भी कुछ सभ्यता थी। आपको बता दें, मेजर जो चार सभ्यता थी जो कि चल रही थी, मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही थी, इजिप्ट चल रही थी, इसके अलावा हड़प्पा जो थी अपने भारत और पाकिस्तान में चल रहा था, इसके अलावा चाइनीज सभ्यता भी चल रही थी। तो आपको बता देता हूँ कि कौन सी सभ्यता किस देश में चल रही थी। मेसोपोटामिया सभ्यता है वो इराक में चल रही थी उस समय, और ये जो इनका जो सन है यानी कि पीरियड जो है वो माना गया है 4000 BC से लेकर 600 BC के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही थी इराक में। और ये जो थी किस नदी पे बसा हुआ, जैसे कि अपने यहाँ हड़प्पा सभ्यता है किस नदी पे बसा हुआ था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो हम उसका जवाब सिंधु घाटी सभ्यता देते हैं यानी कि इंडस रिवर। तो उसी तरह आपको बता दूं कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो टिग्रिस और फरात नदी के बीच में चल रही थी। आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है कुछ ऐसा लैंड जो दो नदियों के बीच में, यानी कि ऐसा लैंड जो नदियों के बीच में बसा हो। तो टिग्रिस और फरात नदी के बीच में जो हिस्सा था उसे हम मेसोपोटामिया बोलते थे। तो ये आपका क्लियर हो गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता थी 4000 BC से 600 BC के बीच में चल रही थी, इराक में चल रही थी, और टिग्रिस और फरात नदी के बीच में चल रही थी। क्लियर। नेक्स्ट सभ्यता के बात करेंगे वो थे इजिप्ट सभ्यता। इसकी जो पीरियड थी वो 4000 BC से लेके 1000 BC के बीच में था, और ये सभ्यता जो थी इजिप्ट में चल रही थी, इजिप्ट जिसे कि हम अब मिस्र के नाम से भी जानते हैं। और ये सभ्यता किस नदी पे किनारे बसी, तो वो था आपका नील नदी। कई बार क्वेश्चन आता है कि मिस्र जो है किस नदी के किनारे पे बसा है, तो उसका जवाब नील नदी होता है। वैसे इराक से रिलेटेड भी होता है कि इराक के पास कौन सी नदी है, तो टिग्रिस नदी। ये भी क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका नदी से रिलेटेड भी बन गया है। मैं आपको नदी से रिलेटेड, विश्व नदी से रिलेटेड भी टॉपिक कराऊंगा, और इंडिया के नदी से आने वाले वीडियो में तमाम जीके जीएस क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रुप डी में आएंगे करवाऊंगा, और इसी चैनल पे करवाऊंगा, आप लोग बस बने रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को आप रिपीट कर लीजिए, 2500 BC से लेकर 1750 BC में ये भारत और पाकिस्तान में चल रही थी, और ये जो थी सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। तो ये क्लियर हो गया आपको। आपको मैं इसका जो पीडीएफ है वो भी कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करवा दूं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली सभ्यता थी वो थी चाइनीज सभ्यता, और वो 1765 BC से लेके 1765 BC से लेके 250 BC के बीच में चल रही थी। कहाँ? चीन में, चाइना में। और किस नदी पे थी?
हांगो नदी पे। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया सभ्यता। अब मैं सभ्यता के बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेसोपोटामिया से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, तो हो सकता है कि मैं वीडियो को एक या दो पार्ट में आप लोगों के लिए पब्लिश करूँ। तो चलिए मैं आगे इस सभ्यता के बारे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि और कौन सी चीजें जो है मेसोपोटामिया सभ्यता से पूछी जाती है। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया का अर्थ ही पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है लैंड बिटवीन रिवर, यानी नदियों के बीच में जो जमीन होता है उसको लैंड बिटवीन रिवर करते हैं। और आपने पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता था वो टिग्रिस और फरात नदी के बीच में था, ये आप जान चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इससे पूछा जाता है, मेसोपोटामिया जो था उसमें चार राज्य सम्मिलित थे, और वो जो राज्य थे वो थे समर, बेबुलोनिया, अकाद, अर्सिया। अगर आपको यहाँ पे लाइट कर रहे समर नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है समर। ये चार राज्य थे, जैसे कि अपने अपने जो सभ्यता का हड़प्पा वहां पे भारत और पाकिस्तान दो राज्य शामिल थे, इस तरह से वहां पे ऐसे चार राज्य थे, समर, बेबुलोनिया, अकाद, अर्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वहां की जो रूलर थे उनसे रिलेटेड। वहां के रूलर थे हमरबी, जिन्होंने कि वहां पे एक लॉ दिया था जिसे हम कोड ऑफ लॉ कहते हैं। उनमें जो लॉ दिया था वो क्या दिया था आप जान लीजिए। उन्होंने लॉ दिया था आई फॉर आई टूथ फॉर टूथ, यानी कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, जिस लॉ को हम बाद में एक मुहावरा जो आपने सुना होगा कि टिट फॉर टैट, इसी ये टिट फॉर टैट जो लॉ था ये हमरबी जो रूलर थे मेसोपोटामिया में उन्होंने दिया था। और टिट फॉर टैट एक मुहावरा भी होता है जिससे कि आप लोग इंग्लिश के रिलेटेड अगर कई बार क्वेश्चन जीके इसमें पूछ देता है तो टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसो को तैसा। तो ये तो हो गया आपका हमरबी के बारे में। इससे रिलेटेड दूसरे रूलर के बारे में पूछा जाता है वो हितीस। हितीस जो था मेसोपोटामिया के साम्राज्य में जो आया था वो एशिया माइनर से आया था, और उन्होंने जो बेबुलोनिया में साम्राज्य चल रहा था हमरबी का उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपको एक और क्वेश्चन जो है आपसे मैं पूछता हूँ, इसका जवाब आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बेबुलोनिया जो है किस महान जो शासक था उससे जुड़ा हुआ है। आपको कमेंट में जवाब देना है कि बेबुलोनिया जो है किनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिससे पूछा जाता है, ये हितीस जो था इन्होंने ही सर्वप्रथम जो आप घोड़े का रथ जो देखते हैं अभी आपने शायद दीवार में देखा होगा रथ होता है, ये सर्वप्रथम जो इसकी रथ की स्टार्टिंग थी ये हितीस ने ही करवाया था। और आपको बता दें कि लोहे का हथियार यानी कि तलवार वगैरह जो होता है, तलवार हो गया चाकू इस तरह के लोहे का जो हथियार है ये हितीस के ही काल में शुरू हुआ था। तो और भी कुछ रिलेटेड पॉइंट है इससे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट और सवाल आ जाते हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं, वो आता है मेसोपोटामिया से रिलेटेड। आपने देखा हो कुम्हार जो होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो एक पहिए का यूज करते हैं, बैलगाड़ी के पहिए का, उसका जो इस्तेमाल जो है मेसोपोटामिया में ही सबसे प्रथम माना गया है। इसके अलावा सीसा की अगर आविष्कार की बात करें जो कांच हम कहते हैं वो भी मेसोपोटामिया में ही किया गया। इसके अलावा मेसोपोटामिया की जो लेखन कला थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वहां की जो लेखन कला थी उसे हम समरियन कहते थे। और आपको बता दें कि जो इसकी जो फॉर्म उसे हम कनी फॉर्म यानी कि जो लेखन कला समरियन थी उसे हम कनी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो खोज की थी वो किया था हेनरी रोयलिसन ने। आप ध्यान रखिएगा वहां की जो लेखन कला थी मेसोपोटामिया की समरियन उसकी खोज जो किया था हेनरी रोयलिसन ने। इसके अलावा वहां से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आता है, वहां पे जो काउंटिंग की पद्धति थी उसे हम सेक्सागेसिमल कहते थे, यानी सेक्सागेसिमल का मतलब होता है कि वहां जो काउंटिंग की जाती थी वो 60 के फॉर्मेट में की जाती थी। जैसे कि आपको बता दें कि अपने इंडिया में जो काउंटिंग का फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा इकाई दहाई सैकड़ा यानी 10 डेसिमल में आता है, जैसे 1 के बाद 10 का फैक्टर आता है उसके बाद 100 का आता है। तो ये इसी तरह से वहां तो था वो 60 के फॉर्मेट में किया जाता है, जिससे कि यहाँ से निकल के आविष्कार हुआ था जो आप देखते होंगे कि जो घड़ी की टाइमिंग होती है उसमें 60 मिनट 60 सेकेंड इस तरह से काउंट होते हैं, यानी कि 60 सेकेंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा। इसका कहीं ना कहीं जो आविष्कार हुआ था
वो मेसोपोटामिया के इसी सेक्सागेसिमल के वजह से हुआ था। और इसके अलावा दूसरी और भी चीज ली गई थी, डिग्री जो आप देखते हो 360 डिग्री टोटल ये बनता है, तो यहाँ 360 यहाँ पे 60 का इस्तेमाल किया गया था। तो ये यहाँ से मैथ की भी काफी इन्वेंशन हुआ था। आगे और भी इन्वेंशन क्या हुआ तो वो भी आप देख लीजिए। आप जो आप ज्यामिति पढ़ते हैं, ज्योमेट्री, वहां पे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, वो पाइथागोरस थ्योरम भी कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते होंगे कि ज्योतिष शास्त्र होता है, ज़ोडियक यानी कि एस्ट्रोनॉमी वगैरह जो होता है, जो ग्रह वगैरह को देख के बताते हैं, तो उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और इस एस्ट्रोनॉमी की वजह से काम करना हम सीखे थे, यानी कि दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सारी चीज जो काउंटिंग है वहीं से सीखे थे। इसके अलावा एक और काउंटिंग हम सीखे थे जो मेसोपोटामिया है, वहां पे जो आकाश है उसको 12 भागों में बांट दिया गया था। और वहीं से जो आप देखते होंगे कि टोटल जो 12 ग्रह होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो ग्रह बताते हैं, जो आप देखते हैं सुबह सुबह की मीन राशि और जो आप वृश्चिक राशि, सिंह राशि, ये सब जो 12 ज्योतिष राशि होती है, ये मेसोपोटामिया से ही स्टार्ट हुआ था, उस सभ्यता से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा लूनर कैलेंडर, चांद पे बेसिस कैलेंडर जो होते हैं, जो मुस्लिम रिलीजन से लोग यूज करते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई थी। जो कि आप देख रहे होंगे ईद बकरीद ये सब जो मुस्लिम रिलीजन के लोग होते हैं, कुछ लोग को बता दूं कि मैं मेरा भावना जो है कभी किसी भी धर्म को आहार करना नहीं हो सकता, मुस्लिम रिलीजन के बारे में मेरे को पूरी जानकारी ना हो, लेकिन ये मैं जो है सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से और एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। आपको बता दूं कि ये जो आपने वीडियो देखा, यहाँ पे जो मैंने आपको चैप्टर बताया वो काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको ये चीजें करनी होगी क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है वो अब टफ हो चुका है। अब आप साधारण क्वेश्चन के वजह से जो कंपटीशन है वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो अगली जो सभ्यता का हिस्सा था हमारा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। और आप लोगों का कैसा इस वीडियो को लेकर कमेंट आता है और क्या कुछ सुझाव आता है उसका हम इंतजार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।